हेलो एवरीवन। तो आज मैंने पहनी है साड़ी और करने वाली हूँ मैं ब्यूटीफुल सा मेकअप। अगर गर्मियों में आप भी मेकअप करते हो, मेकअप केक ही दिखता है, फट जाता है, और आपका जो फेस पाउडर होता है कॉम्पैक्ट, वो आपके फेस पे चिपक के अजीब फटाफटा सा दिखता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लगाया है फेस पे सोफ्रामाइसिन, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्रीम है। ये मेरे स्किन की ऑल प्रॉब्लम्स को के लिए, मतलब स्किन के हर चीज़ के लिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो सोफ्रामाइसिन मैंने मॉइस्चराइजर की जगह पे यूज किया, उसके बाद से मैंने प्राइमर लगाया है इस तरीके से। प्राइमर लगाने के बाद से मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा फाउंडेशन ले रही हूँ और फाउंडेशन को अपनी फिंगर टिप्स की मदद से इस तरीके से अपने पूरे फेस पे लगा के ब्लेंड कर लूँगी। तो फाउंडेशन मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे कंसीलर, लैक्मे का कंसीलर है, लैक्मे 9 to 5 का कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों ही यूज किया मैंने। और कंसीलर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं इस तरीके से यूज़ करी जैसे कि आप देख रहे हो, और इसको भी मैं अपने ब्लेंड करूँगी अपनी फिंगर टिप से। ओके तो मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करी। अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे से भिगो लीजिए और पानी को अच्छे से निचोड़ के अपने फेस पे क्रीम को ब्लेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है और अच्छे से मेरा ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर और पूरे बेस को सेट कर दूँगी। डार्क सर्कल हाइड करने के लिए भी मैंने मेकअप के थ्रू बताया था किस तरीके से अलग अलग टिप्स लेकर आते रहती हूँ मैं अपने चैनल पे। इस तरीके से मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट कर रही हूँ। ओके अभी एक ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आप गर्मियों में भी मेकअप करोगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। ओके तो इस तरीके से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर ले रही हूँ। जितना फेस पे अप्लाई करोगे उतना ही आपको गर्दन पे भी अप्लाई करना है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद से क्या करना है यहाँ पे, तो मैं अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे कहीं भी पसीना ना रह जाए। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया है पूरा कॉम्पैक्ट पाउडर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है मेकअप फिक्सर, ये हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है। अच्छे से फेस पे अप्लाई कर देना, पाउडर लगाने के बाद ही जो पसीने से मेल्ट होता है उसकी वजह से हमारा मेकअप फट जाता है। तो इस तरीके से पूरा अच्छे से मैंने लगा लिया। इसके बाद मैंने लिया है हैंकी और इसको ऐसे टैप टैप करके पूरे जैसे भी जितना भी गीला था उसको निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जब आपका पाउडर अगर एक्स्ट्रा लगा है तो वो निकल जाएगा और आपका मेकअप बिल्कुल भी हटेगा नहीं और वैसे का वैसे रहेगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा। तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद से आप इस तरीके से ये लगा के मेकअप फिक्सर और अच्छे से उसको ड्राई कर लेना है और फिर इसको सूखने देंगे। अब मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैंने लिया है जेल आईलाइनर। इस तरीके से धीरे धीरे करके आईब्रोज को फिल करेंगे अच्छा सा शेप देते हुए। ओके सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, हल्का हल्का से लेना और हल्के हाथ से ही ब्रश को मिक्स करना है, ब्लेंड करना है। लास्ट में इसको ब्लेंड करने के लिए आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लेके इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे और फैले नहीं कहेंगे। तो आराम आराम से मैं इस तरीके से कर रही हूँ और मेरा आईब्रो फील हो चुका है एंड बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सा मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है अपने आईब्रोज पे। तो ये देखिए आईब्रो अच्छे से फील कर लिया है मैंने, इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आईब्रो फील करने के बाद से सिंपली आपको करना क्या है, आपको लेना है यहाँ पे ब्लशर। ब्लशर को मैं अपने चीक बोन पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं अप्लाई करना है। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे मैं बता देती हूँ। तो इस तरीके से ब्लशर अप्लाई कर लेंगे। नोज़ पे भी अप्लाई करेंगे,
इससे नेचुरल लगता है, तो नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे ब्लशर में से ही पिंक कलर और रेड कलर लेके, जो ब्लशर के लिए कलर यूज होते हैं, उसको अपनी आईज पे आई मेकअप के लिए अप्लाई कर लूँगी। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत जल्दी से आप मेकअप करके कहीं जाना है बिल्कुल जल्दी जल्दी चाहिए तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो, और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, बिल्कुल फैलता नहीं है। जो मैंने इसमें टिप्स बताया वो अगर फॉलो करोगे तो बस सिंपली मैंने इस तरीके से पिंक कलर का शेड लिया है और अपने आईज़ पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से अप्लाई कर दिया और ये ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप डन हो चुका है। पिंक कलर अप्लाई करने के बाद से बीच में सिल्वर कलर का आई ब्लशर मैंने अप्लाई किया था, लो वाटर लाइन पे भी पिंक कलर इस तरीके से हल्का हल्का लगा दिया है, इनर कॉर्नर पे वाइट कलर का मतलब हाइलाइटर अप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको फिर से हैंकी लेनी है और अच्छे से जितना भी एक्स्ट्रा पसीना वगैरह आया है उसको निकाल देना है, क्योंकि हमने पहले मेकअप फिक्सर लगाया था तो हम कितना भी पोछेंगे रगड़ना नहीं है, बस मतलब पसीना वगैरह निकालेंगे तो आपका मेकअप नहीं निकलेगा। इसके बाद मैं काजल ले रही हूँ लैक्मे 925 का और इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। मेरा काजल लगाते थे ऑटोमेटिकली मुंह ऐसे बन जाता है, आपका बनता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरा तो बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है काजल। अब मैं यहाँ पे मस्करा अप्लाई करूँगी, मस्करा जो है वो लैक्मे 925 का है। मेरा लैक्मे 925 का मस्करा और लाइनर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग रहता ही है। इस तरीके से मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईज पे मैंने मस्करा अप्लाई कर दिया है। इसके बाद अगर आपको लाइनर नहीं लगाना है तो आप स्किप कर सकते हो, लाइनर की जगह पे आप आई लैसेज अप्लाई कर दो, उससे भी बहुत अच्छा लुक आ जाता है, लेकिन मैं लाइनर लगाऊंगी। मुझे आई लैसेज थोड़ा भारी भारी फील होता है, इसलिए मैं आई लैसेज ज़्यादा आई लैसेज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो लाइनर लगाने के लिए मैं सेंटर से इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर से लेके जाऊँगी और लास्ट तक इस तरीके से थोड़ा चौड़ा लाइनर लगाऊँगी मैं यहाँ पर। अब अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा अच्छा लगता है, आपके फेस पे जैसा सूट करता है उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइनर लगा लिया है मैंने। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी आईज पे लगाना है, बट नीचे भी लो वाटर लाइन पे भी लाइनर अप्लाई करूँ। लो वाटर लाइन पे लाइनर अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और आपका जो काजल है वो फैलता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो आप जब भी काजल लगा दे तो इस तरीके से लो वाटर लाइन पे आईलाइनर जरूर अप्लाई करें, जिससे कि आपका काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो चलिए दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों आईज पे लाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर को मैं नोज़ पे सिंपली इस तरीके से स्ट्रेट अप्लाई करूँगी एंड जहाँ पे मैंने ब्लशर लगाया था वहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ओके, थोड़ा सा फोरहेड पे भी अप्लाई कर देंगे, इनर कॉर्नर पे भी हल्का हल्का हाइलाइटर यूज़ कर लूँ। जो फाइनल लुक होगा अभी मैं दिखाऊंगी। अब मैं लिपस्टिक के लिए यहाँ पे लिप आउट लाइनर लिया है पेंसिल और इस तरीके से लिप्स का शेप बना दूँगी, जिस टाइप से हमको लिपस्टिक लगाना है उस तरीके से यहाँ पे बना दिया है मैंने इस तरीके से शेप। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क पिंक कलर का लिपस्टिक और अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे, क्योंकि मेरा रेड मैट लिपस्टिक मिल नहीं रहा था तो मैंने डार्क पिंक कलर का ही लिपस्टिक अप्लाई कर लिया था। अच्छे से पहले शेप दे दे रहे हैं। तो चलिए अभी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक ढूंढ रही थी तो लिपस्टिक मेरी बेटी ने कहीं रख दिया था तो नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने उसको आवाज़ दी तो उसने बताया कि मम्मा यहाँ रखा है, तो मैंने ले लिया और अब मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा लिपस्टिक भी अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फेस को आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉम्पैक्ट पाउडर लोगे,
पहले मेकअप फिक्सर से पूरे मेकअप को अच्छे से दोबारा से फिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो कॉम्पैक्ट पाउडर एक बार दोबारा से अप्लाई कर दोगे। और उसके बाद से मैंने बनाया था यहाँ पे हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल के लिए क्या करना है, मुझे सिंपली ओपन हेयर का या पोनीटेल वाला हेयर स्टाइल बनाऊंगी मैं। ये मैंने हेयर स्टाइल बना लिया, हेयर स्टाइल की वीडियो नेक्स्ट टाइम उसका अपलोड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का सिंपली पोनीटेल हेयर स्टाइल बनाया था जो कि साड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ हेयर स्टाइल एंड मेकअप के साथ। तो पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगा लूँ जिससे कि मेरा लुक कंप्लीट हो जाए। साड़ी के साथ बिंदी अच्छी लगती है तो मैं यहाँ पे बिंदी अप्लाई कर लिया मैंने। तो आप इस तरीके से सिंपल गर्मियों में मेकअप करके कहीं भी बाहर जा सकते हो और ये बिल्कुल फैलता नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो कैसा लग रहा है आपको हेयर स्टाइल, आई होप के पसंद आ रहा हो एंड मेकअप कैसा लगा हो ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो फाइनल लुक एक बार बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं थी ऐसी एंड मैं रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही थी। तो आपको कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज था मेरी बेटी का बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपनी छोटी सिस्टर इन लॉ के घर पे जा रही हूँ। वहाँ पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और रात को वापस आ जाऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल अच्छा लगा सॉरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेकंड चैनल पर जरूर जाइएगा मेरी ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। सेकंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।